आज हम मौजूद हैं भूटानी ग्रुप के अल्फाथम के ऑफिस में, जहां हमारे साथ जुड़े हैं भूटानी ग्रुप के एमडी मिस्टर आशीष भूटानी। आइए सर से जानते हैं कि अल्फाथम के बारे में उन्हें क्या क्या बातों ने इंस्पायर किया। सर, सबसे पहले तो रियलिटी मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके नए प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच। सर, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया, क्या क्या खासियतें हैं, क्या क्या अल्फाथम के बारे में थोड़ा हमें बताइए। अल्फाथम इज़ बेसिकली 3 आइडेंटिकल टावर्स जॉइंड बाय अ कॉमन रूफ टॉप विच हाउसेज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूफ टॉप इन्फिनिटी पूल। आज की डेट में जब लोग ऑफिस जाते हैं तो उनके पास एक सिर्फ ऑफिस पे जाना, सुबह काम करके वापस आने के अलावा और कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। विद अल्फाथम आवर एंडेवर वाज वेरी सिंपल, वी वांटेड टू गेट एवरीथिंग अंडर द सेम रूफ टॉप, जहाँ पे इंसान आए, काम करे, उसके बाद लेजर के लिए देयर बी अ नाइट क्लब, देयर आर रेस्टोरेंट्स, देयर आर पब्स, देयर इज अ स्विमिंग पूल, देयर आर कॉन्फ्रेंस हॉल्स, वेयर इन देयर इज अ शॉपिंग मॉल, वेयर दे कैन कम एंड हैव अ कंप्लीट लाइफस्टाइल। देयर डे डज नॉट एंड जस्ट आफ्टर वर्क, देयर डे कंटिन्यूज, देयर फैमिलीज कैन कम इन, देयर आर क्रचेज, देन देयर इज एरिया फॉर किड्स। इट्स अ कंप्लीट होलसम एक्सपीरियंस अमंगस्ट ऑल द कॉर्पोरेट्स एंड एट द बेस्ट लोकेशन पॉसिबल इन नोएडा। तो सर, एक ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट में ऐसा कंसेप्ट आपके लाने में, अगर कहें कि आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि ऐसा कंसेप्ट मैं लॉन्च कर सकता हूँ ये कुछ? सी, लुकिंग एट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन नोएडा, आई न्यू नोएडा इज रेडी नाउ टू हाउस द बेस्ट बिल्डिंग्स इन इंडिया राइट नाउ, विद द करंट एक्सप्रेस वे गोइंग अप टू नॉट ओनली आगरा बट कनेक्टिंग लखनऊ एज वेल, मेजर कॉर्पोरेट्स कमिंग इन, मेजर मोबाइल कंपनीज कमिंग इन, वी न्यू इज़ द राइट टाइम टू गेट दिस प्रोजेक्ट है। तो सर, अभी जो माहौल है रियल स्टेट के अंदर, लोगों के अंदर काफ़ी जो बिल्डर्स हमने प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है इन्वेस्ट करने से पहले, तो ऐसे माहौल के अंदर एक नया प्रोजेक्ट लाना आपके लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहा? सी, बेसिकली वी आर द पीपल हु डू वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम। जो भी डेवलपर एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट करता है उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। वी हैव डिलीवर्ड 11 प्रोजेक्ट्स अप टिल नाउ एंड वी हैव डिलीवर्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्विजिट ए ग्रेड ऑफिस स्पेसेस इन नोएडा ऑलरेडी। वी डू नॉट हैव कॉम्पिटिशन इन दिस फील्ड एज ऑफ नाउ। आज की डेट में जिस तरीके की कंसेप्ट हैं, जो हमारी डिलीवरीज हैं, जो हमारे टाइमली डिलीवरीज हैं, ये देखते हुए इन्वेस्टर्स डू नॉट इवन थिंक ट्वाइस इन्वेस्टिंग विद अस। सर, मगर अभी इन्वेस्टर्स जो हैं आपके, कहीं ना कहीं भूटानी ग्रुप का एक अच्छा खासा नाम है, मगर अभी भी कहीं ना कहीं एक माहौल है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले इतने बड़े प्रोजेक्ट में, क्योंकि अभी जैसे बताया आपको रियल स्टेट रिसेशन भी झेल रहा है, तो इस टाइम पे आपका USP क्या है अल्फाथम के लिए, कैसे हम इन्वेस्टर्स लोगों को यकीन दिलाएंगे, इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाएंगे कि हाँ वी आर गोइंग टू गिव यू अ पोजीशन ऑन टाइम एंड एवरी प्रॉब्लम विल बी सॉल्वड। सी, there are two things in this. Real estate is not into recession per se completely. Residential ज़रूर एक setback हुआ है because the demand for residential is substantially low compared to the supply. आज की date में commercial office space पूरे के पूरे Noida Expressway पे A grade building में 5,000 feet भी rental के लिए available नहीं है, first of all. Second of all, हमने एक plan launch किया था CLP, construction based assured return plan। उसमें क्या होता है, अगर एक 25 लाख का एक कस्टमर यूनिट ले रहा है, वो 5 लाख रुपए दे तो उसको 5,000 रुपये महीना मिलता है, अगली किस्त 3 लाख रुपए की आई, 8 लाख हो गए तो उसको 8,000 रुपये महीना मिलता है। उसको पता है कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी वैसे वैसे उसने पैसा देना है, उसका पैसा सिक्योर्ड है, एज सिंपल एज दैट। तो सर, अभी आपका क्या मानना है कि जैसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में जो लूप होल्स आए हैं, लोग पोजीशन नहीं दे पा रहे, तो उसके हिसाब से जितनी भी बिल्डर लोबी है पूरी, कि अब लोगों का रवैया हर बिल्डर को लेकर यही हो गया है कि हाँ सब चीट हैं, सब फ्रॉड, तो आपके हिसाब से ये हिसाब कितना जायज़ है, आपके हिसाब से ये सोच कितनी जायज़ है, गलत है? बहुत इसमें गलत नहीं है इन्वेस्टर्स, कुछ डेवलपर्स ने ज़रूर प्रॉब्लम्स खड़ी करी हैं, बट कमर्शियल प्रोजेक्ट में क्या होता है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में आपको सपोजिंगली एग्जांपल देता हूँ, 25 लाख का अगर एक यूनिट है, CLP कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे पेमेंट है, स्ट्रक्चर खड़ा होते होते पूरी पेमेंट आ जाती है, उसके बाद डेवलपर की लाइबिलिटी नहीं है, अगर वो 2 साल डिले करे या 3 साल डिले करे तो उसको कुछ फाइन नहीं देना पड़ता, जो कि मेरा मानना है गलत है। कमर्शियल प्रोजेक्ट में एक बार स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, आपका स्ट्रक्चर पूरा हो गया, उसके बाद आपकी 12% की अशोर रिटर्न तो जा रही है, तो डेवलपर को हमेशा ज़्यादा जल्दी होती है कि जितनी जल्दी अब इसको डिलीवर करेगा उतनी जल्दी अशोर्ड रिटर्न जानी बंद होगी।
तो सर भूटानी ग्रुप के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहें आप दर्शकों को? बेसिकली यस, वी आर कमिंग विद एन अफोर्डेबल हाउसिंग वेरी वेरी सून. कमर्शियल तो एज आई टोल्ड यू हम एक टाइम पे एक ही करते हैं. वी डू नॉट एंडेवर इन टू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम. हमने आइथम की डिलीवरी दी थी रिसेंटली लास्ट ईयर, उसके 3 महीने बाद ही हमने अल्फाथम शुरू किया. एंड एज ऑफ अफोर्डेबल यू विल हेयर गुड न्यूज वेरी वेरी सून. तो सर ये प्रोजेक्ट कहाँ पर होगा, नोएडा, गुड़गांव या किसी और सिटी में आसपास? That I cannot disclose right now. It's a little confidential, but yeah, soon you'll get to know.